Obvious. आवेश किसे कहते हैं, मात्रा क्या है, कौन सी राशि है, इसके गुण क्या होते हैं, वो सारी जानकारी से मिलेगी आपको। टॉपिक है अपना आवेश। परिभाषा क्या होती है आवेश का, आवेश की किसी भी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न किए जा सकते हो, वो कहलाता है आवेश। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हो, उसे बोलते हैं आवेश। आवेश को सामान्यतः स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करोगे, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। अब इससे संबंधित कुछ बातें वो ध्यान से समझना। पहली तो आती है कि जो आवेश है वो अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। दूसरी जो दूसरा पॉइंट है वो इसका मात्रक निकालते हैं अपन। तो टेंथ क्लास में पढ़ा था अपने I बराबर Q by T, Q बराबर I into T। ये तो है आवेश, ये है धारा और ये है समय। इसको आप बोल सकते हो Q equal to IT, तो इसको डायरेक्ट याद करने की ट्रिक है क्यू आई थी। क्या ट्रिक बन जाएगी इसकी, क्यू आई थी। इसी तरीके से याद रखना इसको क्यू आई थी से। थर्ड पॉइंट, आवेश का SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। अब कूलाम किसको बोला गया है, कूलाम बोला गया है एम्पियर इंटू सेकेंड को। एम्पियर किसका मात्रक, धारा का, और सेकेंड समय का। इसी को बोला गया है कूलाम। क्या बोला गया है इसी को, कूलाम। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट आता है जो आवेश है इसका सीजिस पद्धति में मात्रक होता है। फ्रैंकलिन ये स्टेट कूलाम, यह है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम या ESU होता है। ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अब क्या संबंध होता है सीजीएस और एमकेएस पद्धति में, तो एक कूलाम बराबर 3×10^9 ESU। एक कूलाम बराबर होता है 3×10^9 ESU बोलो, या इसको बोल दो स्टेट कूलाम। अब ये कूलाम तो है एमकेएस पद्धति में, किसमें दोस्तों है एमकेएस पद्धति में, और स्टेट कूलाम या ESU ये है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। सुनो ध्यान से, आवेश, आवेश कौन सी राशि, अदिश राशि। यदि किसी वस्तु के पास आवेश है तो आप बोल सकते हो कि इस वस्तु में विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय तरंग उस वस्तु के कारण अपन क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश कौन सी राशि, अदिश राशि। मतलब यहां पर अपन डायरेक्ट जब भी आवेश का योग करने योग करेंगे तो सदिश योग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बीजगणितीय योग। क्योंकि अदिश राशि का बीजगणितीय योग होता है जिसमें चिन्ह की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। I बराबर Q by T ये पढ़ा है अपने छोटी क्लासों में, तो Q
क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू टी। क्यू तो क्या है आवेश, आई क्या है धारा, टी क्या है समय। इसको याद करने की ट्रिक है क्यू आई टी। आगे चले आवेश का एसआई पद्धति में मात्र कूलाम होता है। कूलाम किसे है एम्पीयर इंटू सेकंड को क्या बोला गया कूलाम। कूलाम वैज्ञानिक है, कूलाम जो है वो वैज्ञानिक का नाम है। ऐसे जो फ्रैंकलिन है वो भी वैज्ञानिक का नाम है। आवेश का सीजस पद्धति में मात्रक फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम या ईएसयू होता है। एक कूलाम बराबर 3×10⁻⁹ ईएसयू बोलो या स्टेट कूलाम बोलो। ये तो इसकी कुछ इससे संबंधित कुछ बिंदु थे ये अपन ने पढ़े। आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का और पांचवा इसी में आता है सजातीय आवेश। समान जाति के प्लस प्लस या माइनस माइनस सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या